हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा सीएसएस के सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले कंपल्सरीज पे आते हैं। यू हैव 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। वो जो भी बंदा सीएसएस में अपीयर होगा वो उन 6 सब्जेक्ट्स को ज़रूर देगा। एग्ज़ाम एक ही जैसा सबका होगा और आपने 100 में से 40 मार्क्स स्कोर करने हैं उसको पास करने के लिए। आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर, द प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन, then the third one is your current affairs, then your pak affairs, then your islamiyat, and the last one is the general knowledge one, everyday science, old english mein usko pehle old uska jo naam tha everyday science kehlata tha। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में एक बात जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस, अब इनका नाम रख दिया गया है GK 1, GK 2 एंड GK 3। जनरल नॉलेज इज GK। तो आपका GK 1, GK 2, GK 3 में तीनों को मिला के आपने 300 में से 120 नंबर लेने हैं। अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में खाली 10 स्कोर कर गए हैं, इनमें इंडिपेंडेंटली 40 अलग-अलग लेने की जरूरत नहीं है। एक में 10 आ गए, दूसरे में 60 आ गए, तीसरे में भी 60 आ गए। व्हेन यू क्रॉस द लाइन ऑफ 120 ये तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर